नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती क्या रद्द हो सकती है, इस पर वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं अभी तक कुछ नहीं बोला था और बोलना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा क्वेरी आ रही है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि वर्तमान स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, और क्या भविष्य में ये भर्ती रद्द हो सकती है। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि अगर ये भर्ती रद्द होती है तो इसका प्रभाव डीएलएड 2017 बैच पर क्या कुछ पड़ने वाला है। पूरा डिटेल में इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि भर्ती रद्द होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखा होगा कि भर्ती प्रक्रिया पर कितने ज़्यादा सवाल उठे थे, और भर्ती प्रक्रिया में कई ऑफिसर्स को अपनी पद गंवानी पड़ी थी। पीएनपी के मुख्य सचिव को भी उनके पद से हटा दिया गया था, और भी कई ऑफिसर्स पर इसके लिए गाज गिरी थी। तो ऑफिसर्स को तो हटा दिया गया था, लेकिन भर्ती परीक्षा को सही माना गया था। हालांकि दो बार इसके कॉपियों की रीचेकिंग भी हो चुकी है, और माननीय कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए इसकी सीबीआई जांच के लिए भी बात कही थी, जिसको डबल बेंच में जा करके उस सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, अगर इन सभी परिस्थितियों को देखा जाए तो इस पर भर्ती परीक्षा रद्द हो पाना बहुत ही मुश्किल दिख रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब प्रेजेंट स्थिति क्या है उसको मैं बताता हूं। तो पीएनपी पर लगातार जब से ये परीक्षा संपन्न हुई है 6 जनवरी 2019 को, उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना विरोध भी जता रहे हैं पीएनपी के मुख्य सचिव के सामने कि इस भर्ती परीक्षा में जो भी अनियमितताएँ हुई हैं उनको उनके संज्ञान में लाते हुए उनसे मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा आप इसके लिए संपन्न कराइए। दोस्तों, अभ्यर्थी इसके लिए लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू। तो इन सभी को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पहले तो इसको टालने के फेवर में थे कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने जब साक्ष्य प्रस्तुत किए और भारी दबाव जब रहा पीएनपी पर, और कई जिलों से न सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज पीएनपी पर बल्कि अन्य जिलों में भी इसका भारी विरोध हो रहा है, और इसी को देखते हुए पीएनपी भी एक बार राजी हो गया है कि वह एसटीएफ के थ्रू इसकी जांच कराएंगे। दोस्तों, उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों जो इस परीक्षा रद्द करने के को लीड कर रहे हैं वहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी हैं, तो उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने बात किया और उनसे कहा है कि हमको 2 दिन का समय दीजिए, 16 और 17 तारीख वह इसकी जांच कराएंगे, और अगर इस जांच में यह पॉजिटिव आता है कि इस भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ अनियमितता हुई है या फिर पेपर आउट हुआ है, तो वह इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि उनकी बातों में कितनी गंभीरता है। दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाऊं, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ही जारी परीक्षा आख्या है, जो कि परीक्षा संपन्न होने के बाद से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है कि कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और किन किन अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी विश्वसनीयता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप नीचे राइट कॉर्नर पर मिस्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के सिग्नेचर देख पा रहे हैं, जो कि मुख्य सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। देखिए दोस्तों, आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे जितने भी अभ्यर्थी गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं उनका डिटेल दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थिनी अनुचित साधन प्रयोग में एक हस्तलिखित पर्ची के साथ पकड़ी गई, प्राथमिक दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की गई। दोस्तों, ये पीएनपी मान रहा है कि एक अभ्यर्थिनी हस्तलिखित पर्ची के साथ पकड़ी गई है,
आप देख सकते हैं ये पीएनपी का ही डेटा है। और जब पीएनपी ये मान रहा है, और कोई ये डिस्क्रिप्टिव पेपर तो था नहीं कि आप उसमें आंसर लिख के ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर अगर हस्तलिखित है तो वह उन सभी प्रश्नों के उत्तर कुंजी ही होंगे, क्योंकि हस्तलिखित में अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो ही बंदा कुछ और आंसर लिख के ले जाता है। अब जब ऑब्जेक्टिव है तो उसमें हस्तलिखित दूसरा कुछ होने का सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये पीएनपी भी मान रहा है कि पहले से उत्तर कुंजी घूम रही थी और अभ्यर्थिनी या फिर जो भी कैंडिडेट इसमें लिप्त हो उसके पास पहले से ही आंसर की मौजूद था। दोस्तों तो निश्चित तौर पर पीएनपी के पास देखा जाए तो एक तरीके से वो मान चुका है कि उत्तर कुंजी मिल चुकी है, लेकिन अगर वह चाहता तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए भी आगे की और कड़ियों को जोड़कर यह पता लगा सकता था कि वाकई में पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों अब ये मनसा कम ही दिखती है पीएनपी की कि इसमें जांच कितनी तत्परता से की जाएगी, या फिर की जाएगी या फिर वैसे ही लीपापोती की जाएगी, जो कि पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखने को मिली थी। और माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी सीबीआई जांच डबल बेंच में जाते हुए इसको रोक लगा दी गई थी। दोस्तों ये तो हो गई बात 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती रद्द होगी या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लिया कि 1% 2% चांस है भी कि मान लिया भर्ती रद्द हो जाती है, तो इसका बीटीसी 2017 बैच या फिर डीएलएड 2017 बैच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक डीएलएड 2017 बैच का फर्स्ट ईयर का प्रशिक्षण 12 अक्टूबर 2018 को समाप्त हो चुका है। बावजूद उसके लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो जाने के बाद भी उनके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं इसीलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि यूपी टेट 2018 और 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए भर्ती की परीक्षा सफल रूप से करवाने का प्रेशर शासन की तरफ से पीएनपी के ऊपर था। अब अगर ये पेपर रद्द होती है तो निश्चित तौर पर शासन की प्रायोरिटी ये होगी कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पहले कराने के लिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे 2019 नज़दीक में है और इस भर्ती को वो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आगे के प्रोसेस में। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तो निश्चित तौर पर अगर ये भर्ती रद्द होती है तो डीएलएड 2017 बैच के लिए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जो कि प्रस्तावित है फरवरी माह के प्रथम वीक में, निश्चित तौर पे वो आगे और भी ज़्यादा शिफ्ट हो सकती है। तो दोस्तों अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करना चाहूँ तो अभी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं पीएनपी भी ये मान रहा है कि पेपर के लिए आंसर की पहले से लीक हो चुकी है, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास इसके हस्तलिखित डेटा मिलना कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर करता है कि अभ्यर्थियों के पास पहले से आंसर की मौजूद थी। दोस्तों अब ये बात देखने वाली होगी कि कई सेंटर पर हुए थे या फिर किसी एक दो पर्टिकुलर सेंटर पर हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। और अगर जांच में कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो निश्चित तौर पर यह उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा ही होगा जो बहुत सालों से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए गलत अभ्यर्थी अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो वह उनके साथ एक तरीके से धोखा ही होगा। दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।